ये हरिराम सतीश अग्रवाल वाल्मीकि थे। हाँ हाँ, और सतीश अग्रवाल जी से हमारी मुलाकात हो गई है छत्तीसगढ़ सर। हाँ हाँ, जय सिंह अग्रवाल जी। नहीं सर, ठीक है, ये जानते हैं लोग आपको। सर सबसे पहले तो हरियाणा में आने पर आपका स्वागत करते हैं, और हरियाणा प्रदेश में कैसे लहर है आप देख पा रहे हैं, क्या महसूस किया आपने? देखिए, मुझे कल जानकारी मिली और बहन गीता बुक्कल ने फोन किया, तो आज सुबह की प्लेन से मैं निकल के सीधे आया हूँ कि आज हमारे गांव में कार्यक्रम था जिसमें दीपेंद्र हुड्डा जी आए और स्वयं प्रत्याशी हमारी जो है गीता बुक्कल बहन जी, और मैं भी अब पहुँचा। काफ़ी अच्छा माहौल यह देखने को मिला, और ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम और यहाँ जो लोगों में जो उत्साह है उसके हिसाब से लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय है, और निश्चित तौर पे यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ गीता बुक्कल जी चुनाव जीतेंगी। सर, छत्तीसगढ़ में भी किसानों के वही मुद्दे होते हैं, हरियाणा में भी किसान बहुल्य क्षेत्र है, वही मुद्दे हैं, तो कौन सी सरकार आपको लगती है जो किसानों की हितैषी है, किसानों के लिए वाकई में काम कर सकती है? पूरे भारतवर्ष में जो छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, सरकार बनने के मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया गया, और लगभग 20,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने किसानों का पानी का अलग अलग अन्य जो टैक्स थे जो कर्जे थे उनको माफ किया। उसके साथ साथ एक एक दाना धान का खरीदा, 20,000 करोड़ रुपए का हमने धान खरीदा। जो धान का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में हमने 2500 रुपए किया, पूरे भारतवर्ष में वो रेट कहीं नहीं मिलता। ये आपको मालूम है, बिजली बिल हाफ, 35 किलो चावल, और ऐसी बहुत सी योजनाएं हम लोगों को जो घोषणा पत्र था उसमें 50% से ज्यादा काम हम लोग कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि 2 साल भी पूरा नहीं होगा और पूरे 36 बिंदु का घोषणा पत्र हम वह पूरा कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसी प्रकार से किसानों के हित में, एक आम आदमी के हित में काम करेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता को सर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, हमारे और वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर हम सब ने चुनाव लड़ा, और 3/4 से ज्यादा बहुमत के साथ हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। तो निश्चित तौर पे ये 5 साल की जो खट्टर जी की सरकार है ये किसी भी काम में सफल नहीं हो पाई, ना बेरोजगारों को रोजगार मिला, ना कोई उस ढंग से काम हुआ, सिर्फ थोती घोषणाएं और सिर्फ वो झूठे लुभावने वादे करके ये सरकार दोबारा बनाना चाहते हैं। हरियाणा की जनता को उन्हें सबक सिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि कांग्रेस में खासा उत्साह है, और अग्रवाल साहब ने जिस तरह से बताया छत्तीसगढ़ में वाकई में सरकार बदलते ही जिस तरह से किसानों के कर्जे हैं उन्होंने माफ कर दिए थे, उसी तर्ज पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में भी घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो किसानों के कर्जे हैं माफ कर दिए जाएंगे, छोटे किसानों के बिजली के बिल है वो माफ कर दिए जाएंगे, 300 यूनिट तक जो बिजली है वो माफ है वो कर दी जाएगी, और जो हमारे SC ST वर्ग के अल्पसंख्यक जो दलित भाईचारा जो होता था उसके वजीफे जो बंद कर दिए हैं वो 12वीं तक कर दिए जाएंगे, बुढ़ापा पेंशन जो हमारे प्रदेश का बुजुर्गों को लेकर सम्मान है वो 5100 रुपए कर दिया जाएगा, काफी अहम घोषणाएं हैं। और दीपेंद्र हुड्डा का जादू है लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, जज्जर से ऐसा लग रहा है कि जनता गीता बुक्कल को विधायक बनाएगी, और कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। शुक्रिया।